हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने दोस्तों को बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रतिकृति होगी, यानी कि रिफ्लेक्शन होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हो। तो यहाँ पे आपका ये आपको बतानी है मिरर इमेज, और मिरर आपका कहाँ पर रखा है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। जल की ये लिखा है आपका, इसका आपको बताना है मिरर इमेज क्या बनेगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपका रखा है मिरर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मिरर कहीं पे भी रखा हो, इस डायरेक्शन में रखा हो, चाहे नीचे आपका वाटर इमेज बनानी हो आपको, तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो मिरर के पास में है, ठीक है, वो पास में रहना चाहिए, और जो दूर है वो दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने रखा यहाँ पे मिरर, इस तरीके से मिरर रखा है और आपका ये लिखा है जल की, JALKI, ठीक है। तो आपका जे का जो डायरेक्शन है वो जे, एक तो पहले तो ये बात देख लीजिए कि मिरर के पास में, ठीक है, मिरर के पास में भी, और जिसका ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है वो मिरर के पास में, तो आपको इधर को ही इसका मुंह कर देना है। ए को आप वैसे का वैसे लिखेंगे, ठीक है, आपको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप शुरू से चेक करिए कि किस में जे इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ये इसमें नहीं लिखा है ये हट जाएगा, इसमें सीधा लिखा है, जिस डायरेक्शन में इसमें लिखा है तो वैसे इसमें लिखा है तो ये भी हट जाएगा, फिर ये दो बचते हैं, ठीक है। तो इनमें और ट्राई कर लेते हैं नेक्स्ट वाला वर्ड, पहले तो ये हमारे पास दो ही ऑप्शन बच गए ना, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को हटाते हुए क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। दूसरे में आपका ए भी दोनों में सही है, ठीक है। फिर आपका एल, देखिए एल इसमें इस तरीके से लिखा है और इसमें भी उसी डायरेक्शन में लिखा है तो ये भी हट जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए बात कीजिए वाटर इमेज की या फिर बात कीजिए मिरर इमेज की, आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर वाटर इमेज की बात की जाती है तो समझ लीजिए मिरर नीचे रखा है और जो भी उसमें बनाना है, जो इसके पास में होती है चीज़ें वो इधर इसके पास में रहेगी और जो दूर है तो वो दूर रहेगी, ठीक है। जैसे आई मिरर के पास में नहीं है तो आई दूर ही रहेगा, अभी भी आप देखेंगे अगर मिरर इस डायरेक्शन में रखा हो तो जे पास में है मिरर के, यहाँ पे भी जे पास है मिरर में, मिरर के ये दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे है, और आई सबसे दूर है, यहाँ पे देखिए आई सबसे दूर है तो यहाँ पे भी आई सबसे दूर है। तो इस तरीके से सोचते हुए आप क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। यहाँ पे प्रश्न आकृति आपको दे रखी है और इसको आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे, ठीक है, इनमें से कौन सा राइट होगा। आप सीधा सीधा लगा के देख सकते हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 लाइन होनी चाहिए सबसे पहले, ध्यान रखिएगा जो भी होगा 4 लाइन होनी चाहिए, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए ये वाली होनी चाहिए, ठीक है, ये वाले डायरेक्शन में 4 लाइन, तो ये वाला हट जाएगा, इसमें तो 4 से ज़्यादा है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। अब ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है, डी वाला, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे को है, ठीक है, 4 यानी कि इसकी इस डायरेक्शन में 4 लाइन है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं जो अलग अलग इमेजेस से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया शुरू में, आपके लिए टेस्ट सीरीज का भी मैंने अभी पूरा इंतजाम कर दिया है, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एक त्रिभुज का जो निशान होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में मैंने बता रखा है, एक लिंक दे रखा है, अगर आप उस लिंक पर जाकर टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो आपको 30 टेस्ट 120 रुपये में मिल जाएंगे, जिनका प्राइस 149 है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे टॉपिक स्टडी वाले स्टूडेंट्स को ही मिलेगा और उसका एक कोड होगा, कोड आपको जो यूज करना है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखा है, अगर आपको डिस्काउंट लेना है तभी उस कोड को भरना होगा, ठीक है, और केवल सिर्फ टॉपिक स्टडी स्टूडेंट को ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है वो टेस्ट सीरीज 120 रुपीज में, तो आपको वो सबसे पहले टॉपिक स्टडी पे आना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके उसको वो डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो कोड है आपका SAURABH,
SPL, इस कोड को यूज करके आप 20% का डिस्काउंट ले लीजिएगा, यानी कि 149 का टेस्ट आपको मिल जाएगा 120 रुपीज में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे जाके सीधा सीधा आपको बाई करना है, खरीदना है। अब कई तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड से मतलब, ठीक है। और 120 रुपीज पे करने के बाद में आपको 30 टेस्ट मिलेंगे जो हिंदी इंग्लिश में होंगे, और आप उसको मोबाइल पे और लैपटॉप पे दे सकते हैं। बाकी डिटेल मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये सीरीज वाला, तो सीरीज वाले क्वेश्चन भी आपके कहीं आएंगे, ठीक है। तो आप ट्राई करिए दोनों क्वेश्चन को, ये तीसरा क्वेश्चन है शायद, ये चौथा क्वेश्चन है, तो एक बार ट्राई करके देखिए आप इनका आंसर लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा दो प्लस हो जाएगा, ए से सी तक जाएंगे तो प्लस टू चल रहा है, और ये प्लस थ्री हो जाएगा, ये प्लस फोर हो जाएगा, इसमें प्लस फाइव करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे में प्लस फाइव करेंगे तो ओ आ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस सिक्स हो जाएगा, तो इस तरीके से प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर फाइव प्लस सिक्स इस सीरीज में चल रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर फोर को ट्राई करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिएगा। इसमें भी बिल्कुल प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ही चल रहा है, देखिए इसमें प्लस टू प्लस थ्री और आपका प्लस फोर, सॉरी यहाँ पे प्लस फोर और आपका हो जाएगा प्लस फाइव, तो प्लस फाइव में आपका यहाँ पे आ जाएगा ओ, और यहाँ पे चल रहा है माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है ठीक है ये, और माइनस फाइव आपका नेक्स्ट आएगा, तो माइनस फाइव क्या हो जाएगा, ए में से माइनस फाइव करेंगे तो वी आ जाएगा, यानी कि पीछे को हम चलेंगे जेड एक्स वाई इस तरीके से, ठीक है, जेड वाई एक्स, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ओ वी इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। तो इस तरीके की सीरीज भी आपके एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यहाँ पे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि वह बुद्धिमान है, किसी के बारे में एज्यूम किया जा रहा है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल सही निष्कर्ष है ये, अगर परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो उसे बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि कथन में बोला गया है यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, तो उसको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना पड़ेगा, तो होना चाहिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह परीक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ये कन्फर्म नहीं है कि वह बुद्धिमान है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया यदि वह बुद्धिमान है, यदि, ठीक है ना, तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तो हम 100% यहाँ पे नहीं बता सकते कि वह उत्तीर्ण करेगा या नहीं करेगा, तो ये हट जाएगा, राइट आंसर आपका रहेगा ए, यानी कि केवल वन निहित होगा निष्कर्ष आपका। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन से, इसकी एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, बहुत ही आसान होता है डायरेक्शन वाला चैप्टर, और एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर दाएं घूमता है, यानी कि पूर्व की ओर वो जाएगा और दाएं घूम जाएगा, घूमता है, वह 20 मीटर चलता है, दाएं घूमने के बाद वह 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलता है, यानी कि उसके बाद फिर एक बार वो दाएं घूमेगा और 30 मीटर चलकर पहुंचा है, ठीक है। तो हम पहले तीन स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले उसने पूर्व की ओर 90 मीटर चला, तो आपने कहीं से भी मान लिया यहाँ से वो 90 मीटर चला पूर्व की ओर, और यहाँ पे दाएं मुड़ गया, यानी कि राइट साइड में मुड़कर 20 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वो 30 मीटर चलता है दाएं घूम के, यानी कि राइट साइड में, फिर इस डायरेक्शन में घूमेगा। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि राइट और लेफ्ट में उनको समझ में नहीं आता है दाएं और बाएं, तो आप ये सोच कर देखिए कि आप यहाँ से चले हैं और आपका राइट और लेफ्ट कौन सा होगा, तो आपका राइट ये वाला होगा, लेफ्ट ये वाला होगा, तो राइट में मुड़ा है यानी कि दाएं में मुड़ा है, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है कि जब भी दक्षिण की ओर चलते हैं तो उस टाइम पे आपका जो लेफ्ट होता है तो सामने वाले का राइट होता है जो चल रहा है उस टाइम पे दक्षिण की ओर, और जब आपका राइट है वो उसका लेफ्ट होगा, जो उसका लेफ्ट है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो मुड़ जाएगा दाएं फिर दोबारा से और 30 मीटर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे वो अपने चाचा के घर पे आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं क्या बोला गया है। 30 मीटर चलकर पहुंचता है, उसके पिता वहां नहीं मिले, उसे यहाँ पे भी अपने पिता नहीं मिले, यहाँ से वह 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर उसे अपने पिता एक गली में मिले, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से वो उत्तर की दिशा में कितना चला है, 100 मीटर दूर, तो 20 ये मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, जो कि ये दे रखा है पहले से ही, यानी कि ये डिस्टेंस 20 हो गई, तो इससे ऊपर हमें 80 और चलना है, तो ये पूरा हो गया आपका 100 मीटर। अब देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन में।
आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसे अपने पिता मिले हैं। तो अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि आप शुरू से इसको काउंट करना स्टार्ट कर देगी, इस तरीके से आप काउंट करें, नहीं नहीं ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। बहुत से बच्चे इसको भी कर देते हैं कि जहाँ जहाँ को वो घुमा है उनको सभी को प्लस कर देंगे और आप आंसर लगा देंगे, और ये आपको ऑप्शन में भी मिल सकता है एक ऑप्शन, तो आप सोचेंगे कि हाँ यही राइट आंसर है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी बोला जाता है कि वह कितनी दूरी पर खड़ा है, तो आपको शॉर्टेस्ट एक पाथ देखना होता है, एक रास्ता देखना होता है जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक शॉर्टेस्ट जो है ये एक लाइन बन रही है कि यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पे वो पहुँच गया है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस में आप क्या करते हैं, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसके स्क्वायर के। ठीक है, तो आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर हम करेंगे तो आपका ये कौन सी हो जाएगी, ए और एफ, ये आपको निकालनी है ना, ए एफ। तो ए एफ का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो आपका 80 दे रखा है, 80 मीटर और 60 मीटर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे, तो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 और 60 का होता है 3600, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 10000। रूट 10000 का किसका होता है, ये 100 का होता है, बहुत ही आसान, सभी को पता होगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 100 मीटर, यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था जहाँ पे वो पहुँच गया, इनके बीच में सिर्फ 100 मीटर का ही डिस्टेंस है। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसको डेफिनेटली करके आएंगे, बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे, और डायरेक्शन का बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब भी डायरेक्शन की बात की जाती है कि इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, उस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, तो अपने खुद को एज्यूम किया करें कि मैं इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, दाएँ में मुड़ने को बोला, यानी कि लेफ्ट राइट में सॉरी राइट साइड में मुड़ने को बोला, तो आप किस डायरेक्शन में मुड़ेंगे, राइट साइड आपकी होगी तो आप इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए काउंटिंग फिगर से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर, मतलब एक दो क्वेश्चन मिल सकता है आपका काउंटिंग फिगर से भी, क्योंकि अभी एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक से। अगर आपको कोई ऐसा त्रिभुज दिया होता है और उसमें बहुत सारी लाइनें खींची होती है और उसमें पूछते हैं कि कितने इसमें त्रिभुज बने हैं छोटे वाले, तो ये सारे आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, उसमें 1, 2, 3 नंबर डाल देने हैं जितने भी वो लाइन्स होंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी ये बने हुए हैं छोटे छोटे से, इनमें आपको नंबर डाल देना 1, 2, 3, 4, यानी कि चाहे 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी हो उनमें नंबर डालना है और उनका सम कर देना है, तो कितना होगा 10, तो 10 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर इसी में आपको लाइन खींच दी जाए, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन खींच दी जाए, अब पूछे कितने हो गए, तो अभी इनका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 ही रहेगा। तो आपको इनको लिखने के बाद में और इनको प्लस कर लेंगे 1+2+3+4 और इनकी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना था आपका 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर यहाँ पे एक लाइन और खींच दी जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और खींच दी जाए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधा सीधा जितनी लाइनें खींचती जाएंगी उतनी ही आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 वाला। यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल है इसकी ट्रिक। यहाँ पे अगर आपको ऐसा बॉक्स दिया होता है और उसमें जितनी भी लाइनें खींची होती है, जितनी भी, ठीक है, बस आपको उनमें वो बॉक्स जो बने होंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल होंगे या फिर त्रिभुज जिनको बोलते हैं हम, ये कितने होंगे ये पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, इनमें भी नंबर ही डालने हैं सबसे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और लाइनें खींची होगी तो और नंबर डल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी होंगे, और जो लास्ट नंबर होगा यानी कि 1, 2, ये काउंट करने के लिए मैंने किया, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 होते हैं, एक लाइन और खींच दी जाती, 7, 8 बन जाते, तो तब आपको 8 से 2 की मल्टीप्लाई कर देनी थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बढ़ा लिया इसी की वजह से कि तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 8 में हमने 2 की मल्टीप्लाई की तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने हो गए ये आपके हो जाएंगे 16। तो आशा करता हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो आप उनको इजीली कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है, इसमें यही वाला दो बार लग जाएगा क्योंकि इसमें दो बॉक्सेस हो गए और दोनों बॉक्सेस में अलग अलग ये इस तरीके से लाइन खींच गई है, तो आपको इसमें अलग अलग दो बार काउंट करना पड़ेगा, 1 नंबर मतलब कि नंबर डालने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि बाहर वालों में अलग काउंट करेंगे और अंदर वाला जो बॉक्स है और उसमें जितने भी लाइनें खींची हुई हैं, ठीक है, जितने भी इसमें त्रिभुज बनेंगे वो आपको अलग नंबर डाल देने हैं। ठीक है, और दोनों को हम अलग ही दोनों की 8 की 2 में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, ये आपका राइट आंसर
बन जाएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो 6 में आपको क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल है। अब दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, जो मैंने पहले सिखा और दूसरा सिखा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, और 8 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी किसी त्रिभुज में ये लाइनें खींचती चली जाएंगी, आपको क्या करना है, 1 और 2 लिखना है, यानी कि अगर एक और खींच दी जाए तो 3 लिखना है, और उनको प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे 1 और 2 है, तो 2 और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, और आपको 2 अलग से प्लस करना है। 2 कौन सा होगा, देखिए मैं आपको ये भी अच्छे से समझा देता हूँ। 2 ये होगा आपका ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये दोनों काउंट नहीं हो पाए हैं, दोनों मिलने के बाद काउंट नहीं हो पाए हैं। ठीक है ना, तो ये 2 आपको अलग से ऐड करने पड़ेंगे, तो इसमें 21 हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और इसमें 2 जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो 2 जोड़ने में आप क्या करेंगे, एक गलती आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप इन दोनों को, जैसे मैंने बोला था कि इस तरीके से आपको करना है 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इस तरीके से आप कर लेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे दोनों में 2 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, 8 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 8 होने के बाद फिर आपको 2 अलग से प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ये पॉइंट आपको जोड़ लेना है। ठीक है, अगर आपका एक और जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे आप 2 और ये बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे 4 प्लस करेंगे, अगर एक और इसी तरीके से जोड़ दिया जाए तो ये कितने हो जाएंगे, 6 प्लस करेंगे अलग से। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, इसको प्लस क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि जब 2 मिल जाते हैं तो एक ये वाला और ये वाला पूरा काउंट नहीं हो पाता है, तो इनको इसलिए हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से एक और यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो उसमें भी एक इस तरीके से ये बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको 2 और ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, ये वाला, तो ये वाला और ये वाला फिर एक बार और ऐड होगा, तो इसका मतलब ये 2 और पॉइंट, ये बस आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो ये देखना है कि जितने भी ये पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे उतने ही आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, और वो आपके काउंटिंग फिगर वाले क्वेश्चन उतने ही थे, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे उनकी ट्रिक और उनको कवर कर लूँगा। ठीक है, अभी उस वीडियो में मैं उतने ही क्वेश्चंस लेके आ पाया हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया विक्ट्री को अगर ये लिखा जाता है YLFWRUB तो सक्सेस को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, उसी रूप से उसी कूट बुद्ध की किया गया है, तो सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा तो ये आपको बताना है। तो इसमें +3 चल रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे +3, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आने वाले हैं आपके एग्जाम में, जो +3 +2 +3 -3 -+ के, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जो कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे विक्ट्री में जैसे आपको क्या करना है, +3 करना है, तो V में +3 करेंगे तो आपका Y, I में +3 करेंगे तो L, C में +3 करेंगे तो F, और T में +3 करेंगे तो W, O में +3 करेंगे तो R, और R में +3 करेंगे तो U, और Y में +3 करेंगे तो B। कुछ इस तरीके से आपकी +3 की सीरीज चल रही है, तो सक्सेस में भी आप +3 करेंगे तो आपका क्या कोड बन गया है वो देख लेते हैं। S में +3 क्या, तो V हो जाएगा। ठीक है, और U में +3 क्या, तो X हो जाएगा, और C में +3 क्या, तो आपका F हो जाएगा, और C में फिर +3 करा तो फिर से F हो जाएगा, E में +3 तो H, S में +3 तो V, और फिर में +3 करा तो V। तो आपका क्या राइट जो बन जाएगा आंसर, VXFFHVV, तो राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और आपने वो सारी वीडियोस देख रखी होंगी, अगर नहीं देखी हो तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था बीच में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि CBDT टेस्ट आप कैसे खरीद सकते हैं। सबसे पहले मेन बात तो इसमें यह है कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, 120 रुपये में है, तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो आप बिल्कुल खरीद करके और जरूर ट्राई करके देखिए 30 जो टेस्ट है आपके, क्योंकि इनसे आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा, जितनी आप सोच भी नहीं सकते उतनी है आपकी इनमें हेल्प हो जाएंगी, क्योंकि सारे के सारे जो जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं 30 टेस्ट में, और ये सारे मैथ रीजनिंग, मतलब पूरा एक टेस्ट टाइप बनाया गया है ग्रुप डी का, जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, 120 रुपीज़ का कैसे मिलेगा, वैसे तो प्राइस इसके 149 है। ठीक है, सभी के लिए, अदर के लिए, बट टॉपिक स्टडी स्टूडेंट के लिए इसमें 20% की छूट मिल रही है, तो यानी कि ये पड़ जाएगा आपको 120 रुपीज़ में। ठीक है, जो कोड है डिस्काउंट का वो है आपका Saurabh SPL, तो ध्यान रखिएगा Saurabh SPL इसका कोड है, तो इसको यूज करिएगा, और इसको यूज करने के बाद में आपको ये पड़ेगा 120 रुपीज़ में। तो ओनली जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं जो सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं इस अब की बार, तो 120 रुपीज़ मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, और आपके हिसाब से भी नहीं होगी, क्योंकि जब मेरे हिसाब से नहीं है
क्योंकि मैं आप जैसे ही एक बहुत ही नॉर्मल सा एक इंसान हूँ और मैं समझता हूँ कि एक एक दो दो रुपए की कीमत कितनी होती है, तो इसमें से मेरे पास कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि हमारे स्टूडेंट को 20% का डिस्काउंट मिल रहा है टॉपिक स्टडी फैमिली के मेंबर को, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये इसलिए इन्होंने मुझे ऑफर किया था कि हम 20% का डिस्काउंट सिर्फ टॉपिक स्टडी वालों को दे सकते हैं क्योंकि आप कोई हमसे चार्ज नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 20% का डिस्काउंट आपके लिए है, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल भी कोई फोर्स नहीं है, अगर मन नहीं है तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे बोलने से खरीदोगे, बिल्कुल भी मेरे बोलने से मत खरीदना। अगर आपको डेफिनेटली मतलब एक बार अपने आप को देखना है कि मैं टेस्ट कितना लगा पा रहा हूँ, कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए देखिएगा, बिल्कुल भी मेरे बोलने पर मत खरीदिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।